नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पर फिर से स्वागत करता हूं। और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास की, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इस समय एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। और इसी क्रम में अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में, डच के बारे में, और हम लोगों ने शुरुआत की है ब्रिटिशर्स के बारे में। और उसी कड़ी को आज दोस्तों हम लोग को जोड़ना, जो हम लोग की आखिरी बात हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 1611 में अंग्रेज़ों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगा दी गई थी मुसालीपट्टनम में। लेकिन वो फैक्ट्री ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि डचों के द्वारा 1605 में ही क्या हुआ था, एक फैक्ट्री लगाई गई थी मुसालीपट्टनम में। और 1611 में जब अंग्रेज़ों के द्वारा मुसालीपट्टनम में फिर से एक फैक्ट्री लगाई गई, और इस फैक्ट्री की परमिशन किससे मिली थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी ये परमिशन। और किसे दी गई थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। इस बातों को हम लोगों ने देखा था। तो क्या हुआ था, 1611 वाली जो फैक्ट्री थी इन्होंने बंद कर दी, अंग्रेज़ों ने बंद कर दी थी। इसी में से कहा गया कि ये अस्थाई तौर पे ये फैक्ट्री लगाई गई थी, यानी टेम्प्रोरी बेस पे ये फैक्ट्री लगी थी। और 1613 में जाके दोस्तों परमानेंट फैक्ट्री अंग्रेज़ों के द्वारा लगा दी गई, और लगाई गई दोस्तों कहाँ पर? सूरत के अंदर। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा था, और उसी कड़ी को दोस्तों हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने दोस्तों अभी तक जो पुराने वीडियोज़ हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के अगर आपने नहीं देखे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसके अंदर जितने भी टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर आते हैं, सब वीडियो आपको क्रमबद्ध तरीके से वहां पे मिल जाएंगे। और इसी तरीके से मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का भी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, जिसके अंदर 42 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सब के सब इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है इतिहास तो आता ही है, तो वहां पर आपको ये जो मैं तमाम वीडियो दे रहा हूं, वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं, ये आपको सब उपयोगी साबित होंगे। इनमें से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और हम लोग आगे की बात आज कंटिन्यू करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के अंदर हम लोग अंग्रेजों की बात कर रहे थे दोस्तों, और 1613 में हम लोगों ने देख लिया आखिरी जो बात हुई है वह यही हुई है कि परमानेंट तौर पे फैक्ट्री लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। आपने नहीं देखा है तो अभी यह वीडियो देख लें, और बाद में उन वीडियो को जरूर देख लेंगे दोस्तों। 1615 हम लोग आगे की क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कड़ियों को जोड़ के याद रखना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक के अंदर। 1615 में दोस्तों उस समय भी जो मुगल बादशाह हुआ करता था वह कौन था? जहांगीर हुआ करता था। जहांगीर के दरबार में एक और अंग्रेज आया जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। और ये कहाँ आया? अगर ये सवाल आता है तो आप बोलेंगे जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और ये प्रतिनिधि हुआ करता था, रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। किसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था? ये रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था दोस्तों ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम का। किसका प्रतिनिधि हुआ करता था? ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम का। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। अब इसके आगे हम लोग को इस टॉपिक के अंदर देखना है सन दोस्तों 1661 का। बीच के जो समय काल हैं जो भी इम्पॉर्टेंट बनते रहेंगे, जब हम लोग और भी आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक में, तो हम लोग देखते रहेंगे चीज़ों को। अभी आपको इस टॉपिक के अंदर 1615 आपको याद रखना। मैं इस तरह अप्रोच क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको चीज़ें याद रहें। देखिए होता क्या है, दिमाग जो हम लोग का होता है दोस्तों, ये कहानी को अच्छे तरीके से याद रखता है, और यही कारण है उसी के ऊपर आपको सही तरीके से आपको स्टोरी वे में सब चीज़ें बताई जा रही। अगर आप बस कहानी की तरह सुनते रहिए, एक बार सुनिए और दूसरी बार कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बना लीजिए, आप कभी नहीं फंसेंगे दोस्तों, आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। आप अगर याद करने पे आ जाएं कि जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रॉय आया था, याद भी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे की चीज़ों को आप देखेंगे तुरंत ये भूल जाएगा। क्यों आया था, रीजन हमेशा अपने दिमाग में बैठाना है, और उसी चीज़ को बताने के लिए मैं चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ आपको, और जो भी चीज़ घटित हुई थी क्या कारण बने थे उन चीज़ों को बताया जा रहा है दोस्तों। तो वैसे ही उस कहानी को दिमाग में आपको याद रखना है दोस्तों, ऑटोमेटिक सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती जाएंगी, फिट होती जाएंगी। जब आपके सामने सवाल आएगा, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग कहेगा कि इस पे टिक लगा दो। यही होता है तरीका इतिहास को पढ़ने का दोस्तों, और सही मायने में हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़िए तो आपको आसानी होगी आपके गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। चलिए हम लोग आते हैं 1661 पे, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आप तक नोटिफिकेशन उसकी पहुँच जाए। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार यानी अंग्रेज़ों का जो राजकुमार हुआ करता था, ब्रिटिश प्रिंस, जिसका क्या नाम हुआ करता था दोस्तों? चार्ल्स। याद रखेंगे ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश प्रिंस का नाम क्या हुआ करता था? चार्ल्स। इसकी शादी होगी, ठीक है, किससे शादी होगी? पोर्तुगीज
ध्यान देंगे, पोर्तुगीज प्रिंसेस से यानी पुर्तगाली राजकुमारी से इसकी शादी होगी, जिसका नाम हुआ करेगा दोस्तों कैथरीन ब्रिगेंजा। क्या नाम हुआ करेगा? कैथरीन ब्रिगेंजा। अब हो क्या रहा है, 1661 में इन दोनों की शादी हुई। ये जो दोस्तों आप दहेज प्रथा की जो रीति आज देख रहे हैं, ये ऐसी है नहीं कि आज ही के समय से ये शुरुआत हुई, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही। तो पुर्तगाली जो हुआ करते थे ये क्या करेंगे, ब्रिटिश प्रिंस को दहेज के रूप में क्या देंगे, बॉम्बे दे देंगे। बम्बई किसके पास चली जाएगी, दहेज के रूप में जाएगी दोस्तों अंग्रेजों के पास। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में आ चुकी थी, पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में आ चुकी थी। जब हम लोग पुर्तगाली की बात कर रहे थे दोस्तों, तो मैंने बताया था पुर्तगाली एक ऐसे यूरोपियन साबित हुए थे दोस्तों, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। तो इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया था बॉम्बे, और इसी के चलते हुए बम्बई को इन्होंने क्या किया, बॉम्बे को इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश प्रिंस को दहेज के रूप में दे दिया, डाउरी के रूप में दे दिया। 1661 की ये बात है, 1661 में शादी हुई। लेकिन जब ब्रिटिश प्रिंस जो था, इसके दिमाग में आया कि बम्बई अपने हाथ में रहने का फ़ायदा क्या है, ये तो एक ऐसा सोने का चिड़िया है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर व्यापार को विस्तार किया जाए तो पैसा ही पैसा आ सकता है। और व्यापार करने के लिए क्या बना हुआ था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। ध्यान रखेंगे क्या बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी बना हुआ था। बस चार्ल्स ने क्या किया, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि बम्बई हम तुमको देते हैं, और किस पे देते हैं, तुमको देते हैं किराए पे, रेंट पे देते हैं। और रेंट कितना इससे वसूला गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, 10 पाउंड पर ईयर। कितना वसूला गया दोस्तों, 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से ले लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से चार्ल्स के द्वारा। यानी बम्बई जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। बम्बई में काफ़ी तेज़ी से व्यापार का विस्तार हुआ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसी क्रम में सवाल आता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेजिडेंसी, यानी ये सवाल आता है कि प्रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इन्होंने क्या किया कि अब भारत में अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, व्यापार को विस्तार करने के लिए, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और तेज़ी से करने के लिए, कुल मिला के अगर ये कह दिया जाए कि कंट्रोल करने के लिए भारत को, इन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया, प्रेजिडेंसी बना दी गई 3 जगहों पे। और ये जो प्रेजिडेंसी थी, ये थी अंग्रेज़ों की ही, लेकिन नाम किसका आता था सामने, नाम आता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो सवाल भी यही आता है कि प्रेजिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी कभी कुछ जगहों पर सवाल लिख के आ जाता है प्रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कुल मिला के अगर पूछा जाए कि प्रेजिडेंसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वह कहाँ कहाँ थी, 3 जगहों का आपको नाम देना पड़ेगा दोस्तों। बस ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, और यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी थी प्रेजिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन फॉर्म ऑफ, क्या रखेंगे नाम, इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो 3 जगह हैं दोस्तों, ये 3 जगह हुआ करती हैं। सबसे पहली जगह हुआ करेगी दोस्तों कलकत्ता, जो अब जानी जाती है कोलकाता के नाम से, फिर मद्रास, और फिर हुई बॉम्बे। ये 3 जगह जो हैं, ये कहीं ना कहीं प्रेजिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। ये सवाल भी आता है प्रेजिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप इन्हीं 3 जगहों पे टिक लगाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक ऐसी चीज़ हो जाएगी 1717 में, जो एक ऐतिहासिक पल साबित होगा और सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचेगा इस चीज़ का अंग्रेज़ों को। यानी एक तरीके से ये टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा, एक ऐसा पहलू आ जाएगा अंग्रेज़ों के सामने, जिसके चलते हुए ये लगभग 200 साल तक, यानी अंग्रेज़ 200 साल तक भारत पे हुकूमत करेंगे और मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरुआत हो जाएगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर के नाम से। हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों ये चीज़ों को, तो आपको याद आ रहा होगा दोस्तों उस समय तत्कालीन जो बादशाह हुआ करता था मुग़ल साम्राज्य का, जो बादशाह हुआ करता था वह हुआ करता था फर्रुख शेर। 1717 में इसके पाँव में हुआ था फोड़ा। जब इसके पाँव में फोड़ा हुआ तो इसने अपने साम्राज्य में घोषणा कराई कि जो भी मेरे पाँव का फोड़ा ठीक करेगा उसे मैं धन दौलत से भर दूंगा। अब हुआ क्या, बहुत सारे चिकित्सक आए इसके पास, लेकिन कोई इसका पाँव के फोड़े का इलाज नहीं कर पा रहे थे। इसी बात की खबर पहुंची एक इंग्लिश सर्जन के पास। किसको पहुंची? एक अंग्रेज सर्जन के पास इस बात की जानकारी पहुंची कि मुग़ल बादशाह फर्रुख शेर के पाँव में हो चुका है फोड़ा। और उस सर्जन का नाम हुआ करता था दोस्तों डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। क्या नाम हुआ करता था? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन इसके दरबार में आया, फर्रुख शेर के दरबार में आया, और इसके पाँव में
जो फोड़ा हुआ था उस पर चीरा लगाया, उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेट किया उसे और अप्लाई कर दिया पेट्रोलियम जेली, जिसके चलते हुए फरुखसियर के पाँव का फोड़ा पूरे तरीके से सही हो गया। इसी बात से खुश हुआ फरुखसियर और इसने एक राइट दे दिया, एक अधिकार दे दिया अंग्रेजों को कि पूरे बंगाल में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, इस बात की हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, बंगाल में, पूरे बंगाल में आप टैक्स फ्री यानी कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, फैक्ट्री लगाओ, जो मन आए सो करो। अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया गया फरुखसियर के द्वारा और कहा गया तुमसे कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा, तुमसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा पूरे बंगाल में। बस फिर क्या था, इनका जो मंसूबा था वह कहीं ना कहीं इनको सफल होता दिखने लगा और यही टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इतिहासकार यही कहते हैं कि अगर ये गलती फरुखसियर नहीं किया होता तो हो सके कि मुगल साम्राज्य थोड़ा और लंबा चला होता और हो सके ये भी कारण बन जाता कि अंग्रेज 200 साल तक शासन नहीं कर पाए होते, इस मंसूबे में वो सफल नहीं हो पाए होते कि भारत को गुलाम बनाना है। बस फिर क्या था, बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड घोषित कर दिया गया फरुखसियर के द्वारा और इसी चीज़ को जाना जाता है दोस्तों गोल्डन ऑर्डिनेंस के नाम से, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको स्वर्णिम अध्यादेश। अब क्या होता है स्वर्णिम अध्यादेश, किसके द्वारा दिया गया, अगर ये कभी भी सवाल आएगा तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। 1717 में आपको पूरी कहानी, इसके बैकग्राउंड आपको पता चल चुका है कि कैसे हुई थी चीज़ें, क्यों हुई थी। गोल्डन ऑर्डिनेंस फॉर ब्रिटिशर्स, इसी को कहते हैं स्वर्णिम अध्यादेश, अंग्रेजों के लिए साबित हो गया था दोस्तों। इसी को जाना जाता है मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिशर्स, क्या जाना जाता है दोस्तों मैग्ना कार्टा अंग्रेजों के लिए। बस इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे और इसी के साथ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यहीं पर रुक जाता है दोस्तों, यहीं तक हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। होगा क्या, अब धीरे धीरे अब अंग्रेज तो गुलामी करने की शुरुआत कर देंगे, गुलाम बना के रखेंगे अंग्रेज भारत को लगभग 200 साल तक, इन चीज़ों को देखेंगे और कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे, कैसे अंग्रेज के चंगुल से बाहर निकलेगा भारतवर्ष, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, उससे इम्पॉर्टेंट सवाल भी बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग के दो टॉपिक अभी बचे हुए हैं। मैंने बताया था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के अंदर दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे पोर्तुगीज, फिर देखेंगे डचों के बारे में, फिर देखेंगे अंग्रेजों के बारे में, फिर देखेंगे डेंस के बारे में और फिर देखेंगे फ्रांसीसी के बारे में यानी फ्रेंच के बारे में। यानी हम लोग के पास दो चीज़ें अभी बची हुई हैं, डेंस और फ्रांसीसी बचे हुए हैं यानी फ्रेंच बचे हुए हैं। तो डेंस और फ्रेंच को हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों एक ही वीडियो में, वो दोनों मैं कंप्लीट कर दूंगा, वो थोड़ी सी वीडियो इस वीडियो से थोड़ी सी वो लंबी भी होगी। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों 1857 के विद्रोह के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है और ऐतिहासिक समय भी बना, जिसके चलते हुए शुरुआत हो गई थी एक विद्रोह की, जिसके चलते हुए परिमाण स्वरूप क्या हुआ, हम लोग का देश आज़ाद होने की कगार पे आने लगा था 1857 से। कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता अब खुलने लगी थी कि अब हम लोग को आज़ादी चाहिए। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे समझेंगे, लेकिन ये सब हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में। अब आज की वीडियो से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उन पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सर थॉमस राय कौन था, आपको पता है ये प्रतिनिधि हुआ करता था ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम का, ये कब आया था, किसके दरबार में आया था, ये सवाल बनेगा। फिर दूसरा सवाल बनता है कि बम्बई यानी बॉम्बे जो था वह कब पहुंचा था अंग्रेजों के हाथ में, ये किसके द्वारा दिया गया था और किस रूप में दिया गया था, इस बात की भी हम लोगों ने चर्चा की। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि पुर्तगाली राजकुमारी कौन हुआ करती थी जिसकी शादी अंग्रेज राजकुमार से हुई थी, कभी कभी ये सवाल देखने को मिल जाता है दोस्तों। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं किसके ऊपर, आ जाते हैं प्रेसिडेंसी के ऊपर। अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ये तीन जगहों में बट के रह गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहीं से वह तीनों क्या किया करते थे, यहीं इन्हीं तीन जगहों से कंट्रोल हो रहा था पूरा भारत, पूरा व्यापार अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और फिर 1717 में क्या हुआ, फरुखसियर के द्वारा जो कि एक मुगल बादशाह हुआ करता था, गोल्डन ऑर्डिनेंस पारित हुआ। क्या होता है गोल्डन ऑर्डिनेंस, इन चीज़ों को देखा, मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिशर्स किसको कहते हैं, इस बात को हम लोगों ने समझा। और कौन हुआ करता था, वह इंग्लिश सर्जन जिसे ये अधिकार दे दिया गया था फरुखसियर के द्वारा, खुश होकर इन बातों को हम लोगों ने देखा। इतने सवाल आज के टॉपिक से बनेंगे दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर से बन जाते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे, एक बार सुननी है दूसरी बार कॉपी कलम उठाइए और नोट डाउन कर लीजिए, यही है तरीका इतिहास का पढ़ने का दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करेंगे दोस्तों, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा लाभ उठाएं। आज के वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा दोस्तों, धन्यवाद।